देर नहीं कीजिए और इस एग्ज़ाम को भर दीजिए, ताकि आपको आपका जो ये सपना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए एक कदम आगे आप बढ़े। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आर के दुबे एड अंकल के प्लेटफॉर्म पर आज आपका स्वागत है फ्रेंड्स। और हम बात करते हैं आज कि वो कैंडिडेट जो छत्तीसगढ़ से हैं और इंतज़ार कर रहे थे सेट एग्ज़ाम का, सेट एग्ज़ाम की असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो राज्य पात्रता परीक्षा है उसका वेट कर रहे थे, तो देख लीजिए छत्तीसगढ़ के उन स्टूडेंटों के लिए एक बहुत अच्छी यहाँ पर खुशखबरी है कि सेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। बात कर लेते हैं विस्तृत रूप से। देखिए फ्रेंड्स कि ये जो ऑनलाइन जो आवेदन पत्र है ये शुरू हो गया है 13/5 यानी 13 मई से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। साथ ही हम देखते हैं कि जो लास्ट डेट है वो रखी गई है यहाँ पर 9 जून। तो आप इस टाइम के अकॉर्डिंग देख लीजिए 13 तारीख से और 9 तारीख के बीच में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। होगा यही, जितना जल्दी आप फिल कर लें उतना अच्छा रहेगा। उसके बाद आप देख लीजिए कि कोई मिस्टेक हो जाती है, कुछ कमी रह जाती है, तो 10 जून से और ये जो 12 जो जून का टाइम है इसके बीच में आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम डेट जो बता दी है, संभावित बताइए, वैसे 21 जुलाई जो रविवार है वहाँ पर एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। एग्ज़ाम वही यहाँ पर उसके 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर आप देख लीजिए समय भी दे दिया है 10 बजे से लेकर 11:15 के बीच, और सेकेंड पेपर है वो आपका होगा 2 बजे से 4:15 के बीच में। सेंटर जो आपको मिलेगा एग्ज़ाम जो सिटी है वो देख लीजिए कि अंबिकापुर है, बिलासपुर है, दुर्ग है, जगदलपुर है, रायपुर है, दंतेवाड़ा है, कांकेर है और जशपुरी, ये यहाँ पर आपके परीक्षा सेट एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी। और कितने सब्जेक्टों में हो रही है, तो टोटल की हम बात करें तो 19 यहाँ पर विषय दिए गए हैं जो ये छत्तीसगढ़ का सेट होने जा रहा है। उसमें देखते हैं कि जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिजिकल साइंस है, मैथमेटिकल साइंस है, केमिकल साइंस है और ये लाइफ साइंस है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन है, कॉमर्स है, लॉ है, संस्कृत है, साइकोलॉजी है और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिजिकल साइंस और होम साइंस। तो कुल मिलाकर ये जो सेट एग्ज़ाम है वो 19 विषयों में यहाँ पर होने जा रहा है। आगे देखते हैं सिलेबस जो है इनकी मेन साइट पे इन्होंने दे दिया है, तो वहाँ पर आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसे सिलेबस वही रहने वाला है जो UGC CSR नेट का होता है। और यहाँ परीक्षा पद्धति देख लीजिए कि 2 पेपर, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। यहाँ पर जो फर्स्ट पेपर है उसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पर जो सेकंड पेपर है वो यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये 200 यहाँ पर मार्क्स के हो जाएंगे। समय आपको बता ही दिया है पहले ही। फर्स्ट पेपर में आप देख लीजिए कि आपसे यहाँ पर जो पूछा जाएगा तो उसमें तार्किक क्षमता से रिलेटेड है, समझने की योग्यता, विस्तृत विविध सोच, सामान्य जागरूकता और रिसर्च एप्टीट्यूड, इस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन होंगे फर्स्ट पेपर के अंदर। और जो सेकेंड जो पेपर होगा वो आपका पूरा सब्जेक्ट बेस होगा। और वही 2 नंबर का एक क्वेश्चन है यहाँ पर फ्रेंड्स, और ये ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होने जा रही है। अब जो परिणाम जो रिजल्ट जिसका आएगा सेट का, छत्तीसगढ़ सेट का, उसमें देखना है आपको कि टोटल जो स्टूडेंट उनका 6% यानी 6% ही क्वालिफाई कर पाएंगे। साथ ही आपको करना क्या होगा कि मिनिमम 40% आपको यहाँ पर मार्क्स लाने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। अब 40% तो लाओगे लेकिन उसके बाद भी 6% बच्चे ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। कैटेगरी में जरूर 5% का इलेक्शन दिया है, 35% वहाँ पर हो जाता है, इसमें ST, SC, OBC, नॉन क्रिमिलियर, PWD इस तरह की रिजर्वेशन दिया गया है। तो फ्रेंड्स देर नहीं कीजिए और इस एग्ज़ाम को भर दीजिए, ताकि आपको आपका जो ये सपना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए एक कदम आगे आप बढ़ें। फिर से आपसे यही कहना है कि हमारा जो ये YouTube चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि समय समय पर आपको इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है अपडेट वो आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।